भारत रचने जा रहा है इतिहास। पूरे दुनिया नजर रख रहा है भारत के ऊपर। अगर भारत साथ में इस मिशन को पूरी तरह से कर पाता है तब भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसके पास चांद के दक्षिणी कोने पर रॉकेट को सक्सेसफुली लैंड करने का क्षमता है। इस मिशन को इसरो ने चंद्रयान 3 नाम दिया है। इस चंद्रयान 3 मिशन में इसरो LVM मार्क 3 रॉकेट को इस्तेमाल कर रहा है जिसको श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। भारत 22 जुलाई साल 2019 पर भी इस तरह का एक मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था जिसमें विक्रम लैंडर के साथ एक ऑर्बिटर भी था, लेकिन लैंडिंग करने से कुछ समय पहले सॉफ्टवेयर की खराबी कारण चंद्रयान 2 से इसरो के कम्युनिकेशन टूट गया था जिस कारण चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। लेकिन इस बार इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने कहा कि इस बार कोई तकनीकी खराबी नहीं आएगा और इस मिशन में कोई ऑर्बिटर को नहीं भेजा जाएगा क्योंकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर अभी भी चांद के चक्कर काटे जा रहे जो चंद्रयान 3 मिशन को बैकअप देने में काफी है। और ऑर्बिटर नहीं भेजने के कारण रॉकेट की पेलोड वजन 3900 kg तक होगा जिस कारण फ्यूल की कोई दिक्कत नहीं आएगा। चंद्रयान 3 मिशन के LVM मार्क 3 रॉकेट को 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर लॉन्च कर दिया जाएगा। इस रॉकेट अपना लंबा सफर को खत्म करके 23 या 24 अगस्त पर चांद के ऊपर लैंड कर जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट ने रॉकेट को लॉन्च करने से पहले लॉन्चिंग रिहर्सल को कर चुका है जिस रिहर्सल के दौरान चंद्रयान 3 के पूरे लॉन्चिंग प्रिपरेशन को सिमुलेट किया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ जी का इस बयान से ये बात तो साफ है कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल होगा जिसका रिजल्ट कुछ समय बाद तो आ ही जाएगा। इंडियन इसरो की उस साइंटिस्ट जो दिन रात मेहनत करके इंडिया को इस मुकाम पर लाए उन सब के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और कमेंट पर आई लव इसरो जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।